अब वंदे भारत इटारसी से रीवा नागपुर के लिए भी इंदौर से नागपुर 8 घंटे 20 मिनट और रीवा से भोपाल 8 घंटे में पहुंचाएगी ट्रेन। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। विधानसभा चुनाव के आचार संहिता से पहले रेल मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के यात्रियों को बड़ी सौगात। इंदौर से भोपाल और भोपाल से जबलपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रीवा और नागपुर से सीधा जोड़ दिया है। इंदौर से भोपाल तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब नागपुर तक चलेगी। ट्रेन को नागपुर करने से इंदौर से नागपुर की दूरी मात्र 8 घंटे 20 मिनट में तय होगी। अभी वर्तमान में 11 से 12 घंटे लगते हैं। इस ट्रेन से सफर करने पर सीधे 3 से 3.5 घंटे का फायदा होगा। वहीं प्रदेश की राजधानी भोपाल रानी कमलापति से जबलपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब रीवा तक जाएगी। भोपाल से ट्रेन दोपहर 3:30 बजे रवाना होगी, जो रात 11:30 बजे रीवा पहुंच जाएगी। 8 घंटे में यात्री भोपाल से रीवा और रीवा से भोपाल पहुंच सकेंगे। वर्तमान में राजधानी को जोड़ने वाली एकमात्र ट्रेन रेवांचल एक्सप्रेस 9.5 घंटे में दूरी तय करती है। रीवा और नागपुर तक दोनों ट्रेनों को बढ़ाने से हजारों यात्रियों को फायदा होगा। 27 जून से इंदौर भोपाल और रानी कमलापति जबलपुर ट्रेन की हुई थी शुरुआत। इंदौर और भोपाल के बीच और रानी कमलापति से जबलपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 27 जून को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया था। इंदौर से सुबह 6:30 बजे ये ट्रेन चलती है। इंदौर भोपाल के बीच यह सबसे फास्ट ट्रेन है। ट्रेन इंदौर भोपाल के बीच सिर्फ उज्जैन में 5 मिनट के लिए रुकती है। रानी कमलापति से 7:00 बजे रवाना होती, जो 11:30 बजे जबलपुर पहुंचती है। रानी कमलापति रीवा वंदे भारत का नया टाइम टेबल। नए टाइम टेबल के मुताबिक 2017 रानी कमलापति रीवा वंदे भारत 10 अक्टूबर से नियमित रूप से नागपुर तक जाएगी। रानी कमलापति से दोपहर 3:30 बजे रवाना होगी। 4:15 पर नर्मदापुरम, 4:45 पर इटारसी, 5:38 पर पिपरिया, 6:38 पर नरसिंहपुर, 8:00 बजे जबलपुर, 9:20 पर कटनी, 10:10 पर मेहर, 10:37 पर सतना और 11:30 बजे रीवा पहुंचेगी। वापसी का शेड्यूल 20174 वंदे भारत सुबह 5:30 बजे रीवा से रवाना होगी। 6:15 पर सतना, 6:45 पर मेहर, 7:35 पर कटनी, 8:45 पर जबलपुर, 9:50 पर नरसिंहपुर, 10:50 पर पिपरिया, 11:50 पर इटारसी, दोपहर 12:18 पर नर्मदापुरम और 1:30 पर रानी कमलापति पहुंचेगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।